हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सारे बच्चे सब खुशहाल होंगे, मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज का लेक्चर शुरू। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप बच्चों के लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लो, उन बच्चों को ये लेक्चर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, के रियल नंबर्स पे क्या ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो देखो, रियल नंबर्स में आप बच्चों को पता है वो कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स बनाते हैं। और रियल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आप बच्चों को अभी तक मैंने पढ़ाया था, अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जो कवर कर ली थी इससे पीछे, उसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नंबर आना रियल लाइन किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स में क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या करते हैं? सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो नीचे प्रॉपर्टी है ये वाली रैशनल नंबर क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये अगर ए प्लस बी हो तो वो बी प्लस ए के बराबर होता है, या ए इंटू बी हो तो वो बी इंटू ए के बराबर होता है। ये हमारी होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब दो नंबर्स को पहले ए लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, तो जो आप बी लिखेंगे ए लिखेंगे तो वो दोनों क्या आता है? जैसे 2 प्लस 4 4 होता है, सिमिलरली 2 प्लस 4 6 होता है, सिमिलरली 4 प्लस 2 भी क्या होता है? 6। या फिर 2 इंटू 4 करते हैं या 4 इंटू 2 करते हैं तो दोनों का आंसर क्या आता है? सेम आता है। तो ये होगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर होती है सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इसी तरह से होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तो वो हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इन प्रॉपर्टीज के बारे में आप हाई क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। या फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में लोगे तो वो होती है ए बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। तो इस तरह से ये होगी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और फिर हो गया हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया जैसे ए इंटू बी प्लस सी, तो वो किसके बराबर हो जाता है? ए बी प्लस ए सी, मतलब ए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी के साथ भी और सी के साथ भी, तो हमने लिख लिया ए बी इंटू ए सी। तो ये आप बच्चों को पता है डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये सेटिस्फाई होती हैं किसमें? रैशनल नंबर्स में, एडिशन के केस के लिए भी और मल्टीप्लिकेशन के लिए, दोनों के लिए आपको बताइए। ऐसे ये एडिशन थी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थी कम्यूटेटिव में, सिमिलरली एसोसिएटिव में ये एडिशन थी, ये मल्टीप्लिकेशन थी, और वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटिव में भी क्या आ जाएगी? मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो ये करते हैं हमारे पास रैशनल नंबर प्रॉपर्टीज वाली सेटिस्फाई। इफ, और हमें साथ में ये भी पता है कि अगर हम या दो से ज्यादा नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे। ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड टू रैशनल नंबर्स। जब भी हम दो नंबर्स को क्या करेंगे? रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे या सॉरी तो यहाँ पे वही मैंने बताया आप बच्चों को, जब भी हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जो रिजल्ट मिलेगा वो भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। जैसे 2 प्लस 4 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 6 के बराबर आएगा। ये 2 और ये 4 दोनों क्या है? रैशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इनको हम 2/1 लिख सकते हैं, इसको भी 2/1 लिख सकते हैं। तो जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 6, तो उसको भी हम 6/1 लिख सकते हैं। इट मीन्स जब हम दो रैशनल नंबर्स को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आ रहा है? रैशनल नंबर ही आ रहा है। उसी तरह से सब्ट्रैक्ट का केस होता है, उसी तरह से मल्टीप्लाई का, और उसी तरह से डिवाइड का केस भी होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज। और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के लिए हमें जनरल में ये लिखा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करते हैं, तो दो रैशनल नंबर्स की जब हम कोई भी इनमें से ये ऑपरेशन लगाएंगे तो वो दोबारा से क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज प्रॉपर्टीज। तो अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर्स के केस, क्योंकि रियल नंबर्स में रैशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं। तो जो इरेशनल नंबर है तो इनके लिए क्या है? इरेशनल नंबर्स फॉलोइंग सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये भी सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। कि इसका मतलब इसमें ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी फॉलो करते हैं। किसके लिए? एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मतलब सिमिलर वही प्रॉपर्टीज जो रैशनल नंबर्स में थी, वही प्रॉपर्टीज हमारी इरेशनल नंबर्स में भी फॉलो होती हैं। लेकिन एक बात यहां पे ये थी कि यहां पे हम जब दो रैशनल नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट या कुछ भी कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो वो वापिस से क्या आता है? रैशनल नंबर ही आता है। लेकिन इरेशनल नंबर का केस में क्या है?
सम डिफरेंस क्वेश्चंस आर प्रोडक्ट्स ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, क्या होते हैं, आर नॉट ऑलवेज इरेशनल। इसका मतलब जब भी हम दो इरेशनल नंबर लेंगे उनको अगर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही आए, वो इरेशनल भी हो सकता है और वो रैशनल भी हो सकता है। तो ये फर्क है इतना सा रैशनल और इरेशनल नंबर में। देखो इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी में है कि जब भी हम दो नंबर्स लेंगे, दो नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर्स को ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने से इरेशनल नंबर ही आए, वो हमारे पास रैशनल नंबर भी आ सकता है। लेकिन जो रैशनल नंबर का केस है तो वहां पे क्या है कि जब भी हम दो नंबर्स को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो नंबर हमारे पास रिजल्ट आएगा तो वो भी हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। इट मींस रैशनल नंबर के केस में रिजल्ट भी रैशनल नंबर आएगा, लेकिन इरेशनल नंबर के केस में रिजल्ट हमारे पास रैशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। तो डियर फ्रेंड्स यही हमने लिखा है, व्हेन वी ऐड आर मल्टीप्लाई अ रैशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर द रिजल्ट इज आल्सो इरेशनल नंबर। अब ये तो हो गया रैशनल का अलग से केस, इरेशनल का अलग से केस, लेकिन अब यहां पे क्या है, अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है और उसके साथ हम क्या करेंगे, ऐड या फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इरेशनल नंबर को, मतलब रैशनल और इरेशनल नंबर को या फिर ऐड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। इट मींस इरेशनल नंबर के साथ जब आप रैशनल नंबर को जोड़ोगे मतलब प्लस करोगे या फिर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये बच्चों आप बच्चों ने ये बात भी ध्यान रखनी है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम अपनी एग्जांपल 12 देखते हैं और हम यहाँ पे चेक करते हैं कि ये क्या रैशनल। तो डियर स्टूडेंट्स अब है हमारी एग्जांपल 12। तो एग्जांपल 12 में हमें बोला है चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, π - 2 आर इरेशनल नंबर्स या नॉट, कि क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को तो ये पता है कि जो रूट के अंदर जब भी हमारे पास क्या होता है, प्राइम नंबर होता है तो वो हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर ही होते हैं। तो √2, √5 और ये पाई जो है ये मैंने आप बच्चों को इरेशनल नंबर्स के केस में एग्जांपल्स बताई थी। तो इट मींस ये क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर के साथ जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है, इरेशनल नंबर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे क्या है, 7√5, मतलब 7 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसके साथ, √5 के साथ। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर के साथ हम रैशनल की मल्टीप्लाई करते हैं जब भी तो वो हमारे पास क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। अब डियर स्टूडेंट्स ये √5 भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर, यहां पे देख लिया हमने। सेकंड केस है 7/√5 का, तो ये √5 से क्या हो रहा है, मतलब 7 की मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, 1/√5 के साथ। और ये √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। इट मीन ये होल नंबर जब मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास रैशनल नंबर की इरेशनल नंबर के साथ तो ये हमारा नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर ही बन जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी भी हमने यहां पे पढ़ी। इट मीन ये नंबर जो हमारा ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। सिमिलरली ये √2 + √2 + 21 है तो ये क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर के साथ एक रैशनल नंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमने देखी कि जब हम ऐड करते हैं रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से तो भी क्या आता है, इरेशनल नंबर। इट मींस ये जो नंबर होगा √2 + 21 तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और जो π - 2 है तो पाई आप बच्चों को पता है ये इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर के साथ यहाँ पे जब हम माइनस करते हैं या प्लस करते हैं 2 को तो वो भी हमारा क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। इसका मतलब ये नंबर और ये जो π - 2 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, इरेशनल नंबर्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपनी एग्जांपल 13। तो डियर स्टूडेंट्स एग्जांपल 13 में हमें दिया गया है एड √2 + 5√3 + √2 - 3√3, मतलब ये नंबर और ये नंबर हमने इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो बीच में हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। तो पहले हमने ये वाला नंबर लिखा यहां पे, बीच में प्लस लगाया और फिर हमने ये वाला नंबर यहां पे लिख लिया √2 - 3√3। तो जब हम प्लस से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस √2 करेंगे, प्लस √2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये आगे क्या आ जाएगा, 3√3। तो डियर फ्रेंड्स ये हमारे पास क्या है, ये 2√2 है, ये हमारे पास √2 है, ये हमारे पास 5√3 है, ये हमारे पास 3√3 है।
यहां पे भी रूट थ्री है, यहां पे भी रूट थ्री है, हम रूट थ्री वालों को एक तरफ लिख लेंगे, तो हमने फाइव रूट थ्री लिखा और थ्री रूट थ्री एक साथ कर दिया। यहां पे रूट टू है और यहां पे भी रूट टू है, हमने इन दोनों को भी एक साथ लिख लिया, टू रूट टू प्लस रूट टू। अब ये रूट टू वाले अलग होंगे और रूट थ्री वाले अलग होंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, रूट थ्री यहां, रूट टू यहां भी है और यहां भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहां पे 2 बचेगा और यहां पे क्या बचेगा, 1, तो 2 प्लस 1 यहां पे आ जाएगा और रूट टू हमने कॉमन निकाल दिया। सिमिलरली यहां पे रूट थ्री है, यहां पे रूट थ्री है, रूट थ्री हम क्या कर लेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 हमने यहां पे लिख लिया। स्टूडेंट 2 प्लस 1 हमारा 3 हो जाएगा, ये हो गया 3 रूट 2, और साथ में 5 में से 3 निकालेंगे वो 2 आएगा, ये हो जाएगा 2 रूट 3। तो इस तरह से हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमें क्या मिला, 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। तो होप करता हूं डियर स्टूडेंट्स ये आपको ऐड करना समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 में हमें बोला है मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5 के, 6√5 को हमने 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब बीच में हम क्या लगाएंगे, इन दोनों नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, 6√5 / 2√5। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे जब आप देखोगे तो 6√5 का मतलब होता है 6√5, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे 2 है, ये √5 का मतलब हो गया, 2√5 का मतलब हो गया 2√5। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमें रैशनल नंबर एक तरफ का लेने हैं 6 और ये 2, और ये हमारे पास √5 एक तरफ है और दूसरी तरफ भी √5 है, तो उनको हमने √5 लिख लिया और 6 और 2 हमने एक साथ लिख लिया। 6 2 जो हमारे पास क्या होता है 12, और √5 × √5 हमारे पास क्या हो जाता है, √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाता है कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 5। तो वही हमने लिखा है 12 × इन दोनों की जगह पे क्या लिखा है 5, 12 × 5 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 60। तो इस तरह से हमने एग्जांपल 14 भी सॉल्व कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स हमारी एग्जांपल है एग्जांपल 15, तो डिवाइड 8√15 / 2√3 के, 8√15 को हमने 2√3 से डिवाइड करना है। तो अब हम 8√15 यहां पे हमने लिखा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया 2√3 से, तो 8 और ये 2 इनको हम कैंसिल करेंगे, 2 1 = 2 और 2 4 = 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4, तो वही हमने यहां पे 4 लिखा है। साथ में यहां पे √5 है तो √15 है तो √15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5, तो इसका रूट दोनों पे अलग अलग आ जाएगा √3 × √5, तो वही हमने लिखा है √3 × √5 और डिवाइड में क्या है √3, ये √3, ये √3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 1 = 2 2 4 = 8, ये 4 मैंने पहले ही बता दिया, तो 4 × √5 ये हमारा आंसर हो जाएगा एग्जाम्पल 15 का। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ खास बातें। तो खास बातें क्या है, सम आर डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर ही होता है कि सम करें या फिर डिफरेंस करें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो वो वापस क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है, ये हमने अपने एग्जाम्पल्स में देखा। प्रोडक्ट करते हैं या क्वेश्चन निकालते हैं किसका, ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर के, नॉन रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ क्वेश्चन या फिर प्रोडक्ट करते हैं, तो वो हमारे पास क्या आता है, वो भी इरेशनल नंबर ही आता है। इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आर डिवाइड टू इरेशनल, अगर हम दो इरेशनल नंबर को एड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो वो रिजल्ट हमारे पास इरेशनल भी हो सकता है या फिर रैशनल भी हो सकता है, मतलब वो रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। जब हम टू इरेशनल नंबर्स को एड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो हमारे पास रैशनल भी आ सकता है या फिर इरेशनल भी आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो डियर स्टूडेंट्स और जब भी आप लेक्चर देखते हो तो एंड तक जरूर देखा करो, साथ में ये जो मेरा चैनल है प्रिसेप्टर रोहित इसको और ज्यादा शेयर करो ताकि सारे के सारे स्टूडेंट्स इस चैनल से बेनिफिट उठा सकें। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे अभी 9th में पढ़ रहे हो, फिर 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, जब तक आपने 12th में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, ये एक साल के अंदर सारा का सारा कॉन्टेंट इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा और आप बच्चे सारे का सारा कंटेंट जो भी होगा आपका स्टडी मटेरियल होगा वो आप यहां से अफोर्ड कर सकते हो। तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, वो ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स के, रियल नंबर्स पे कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स में आपस में क्या रिलेशन है, कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो कौन सा नंबर मिलेगा, ये सारी चीजें हमने अभी तक पढ़ ली। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ √x ऑन द नंबर लाइन वेयर x इज एनी पॉजिटिव
एंड टीचर, मतलब हमने पहले ये नंबर लाइन पे हर एक जो डेसिमल वाला नंबर था उसको हमने क्या किया, मतलब सारे रियल नंबर्स को हमने रिप्रेजेंट किया किस पे, नंबर लाइन पे। लेकिन अब हम रूट वाले नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखेंगे नंबर लाइन पे। तो ये डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क द डिस्टेंस एक्स यूनिट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ए ऑन अ गिवन लाइन टू ऑब्टेन अ पॉइंट बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू एक्स यूनिट। कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक पॉइंट लेते हैं ए, ये हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और यहां से हम क्या करते हैं एक्स यूनिट्स एक लेंथ लेते हैं, वो बी पॉइंट तक हम क्या करते हैं एक लाइन लेते हैं ए बी, कहां तक एक्स यूनिट्स लेते हैं हम ए बी एक लेंथ। तो हमने एक ए बी लेंथ ले ली और उसकी लेंथ क्या है एक्स, ए बी एक हमने लाइन ले ली और उसकी लेंथ क्या है एक्स यूनिट्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तो सेक्स वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या है, नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास फ्रॉम पॉइंट बी मार्क अ डिस्टेंस ऑफ वन यूनिट एंड मार्क द न्यू पॉइंट एज सी ज्वाइन बी सी टू मेक अ लाइन ए सी। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो हमारे पास बी पॉइंट है तो बी पॉइंट से हम क्या करते हैं, ये है हमारे पास बी पॉइंट, बी पॉइंट से हम एक और पॉइंट आगे देखते हैं, वो कितनी दूरी पे होना चाहिए वन यूनिट, कितनी होनी चाहिए वन यूनिट की दूरी पे बी से एक सी पॉइंट होना चाहिए, और उस पॉइंट को हम बी के साथ जोड़ देते हैं और हमारी लाइन क्या बन जानी चाहिए ए से लेके सी तक, क्या लाइन बन जानी चाहिए अब ए से लेके सी तक, और इसकी जो पूरी लेंथ हो क्या हो जाएगी एक्स यूनिट प्लस वन यूनिट, मतलब ये ए सी जो होगी वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, यहां पे आप लिख भी सकते हो एक्स प्लस वन यूनिट, कि इसका मतलब ये कितने यूनिट्स की बन गई एक्स प्लस वन यूनिट। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एसी, जो ये लाइन है ए से लेके सी तक उसका हम क्या करते हैं मिड पॉइंट, मतलब उन दोनों लाइन इस पूरी लाइन का एसी का सेंटर वाला पॉइंट देखते हैं, और हमने जब सेंटर पॉइंट देखा तो वो हमें ओ मिल गया, मतलब हमने इसको मार्क कर दिया कि ये इसका नाम हमने दे दिया ओ, तो वही हमने लिखा है मिड पॉइंट एसी का हमने ढूंढा और उसको हमने नाम दे दिया ओ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ड्रॉ ए सेमी सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ सी। अब हम क्या करते हैं इस पॉइंट को ओ, इस पॉइंट ओ को सेंटर मान के, मतलब यहां पे प्रकार की पिन हम यहां पे रखते हैं और क्या करते हैं एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और उस सर्कल का रेडियस क्या होता है, मतलब प्रकार हम कितनी खोलते हैं इस ओ से लेके सी तक, मतलब यहां से लेके यहां तक हमने इतनी सी प्रकार खोलनी है, और फिर हमने इस तरह से क्या करना है एक वो ड्रॉ कर देना है क्या सेमी सर्कल, आप इस तरह से ड्रा कर ही सकते हो जैसे ये हमारे पास, इस तरह से हम क्या करेंगे ऐसे करके हम ड्रा कर सकते हैं। तो यहां पे आप प्रकार की पिन रखोगे और ये आप सेमी सर्कल क्या कर लोगे ड्रा कर लोगे डियर स्टूडेंट्स। तो हमने जब ये सेमी सर्कल ड्रा कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो हमारे पास पॉइंट बी था, क्या था बी था, तो हम वहीं से क्या करते हैं ड्रा ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए सी पासिंग थ्रू बी एंड इंटरसेक्टिंग द सेमी सर्कल एट डी, देन बी डी इज इक्वल टू रूट एक्स यूनिट। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में करते क्या है कि ये जो बी पॉइंट है यहां से जो ए सी है इस लाइन पे एक ऐसी लाइन डालते हैं जो बी को बी पॉइंट पे टच हो रही हो और दूसरा कहां पे इस सर्कल को काट रही हो डी पॉइंट पे, लेकिन वो क्या हो परपेंडिकुलर हो, क्या हो परपेंडिकुलर हो किस लाइन पे ए ई लाइन पे, किस लाइन पे ए लाइन पे वो परपेंडिकुलर हो, और हम क्या करते हैं कि लाइन ड्रा करते हैं बी डी, और वो डी पॉइंट कौन सा होगा जिस पॉइंट पे ये वाली लाइन इस सर्कल को कट कर रही है सेमी सर्कल को कट कर रही है। तो ये हमारा डी पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। अब ये जो लेंथ होगी बी डी की तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी रूट एक्स, ये हमारे पास क्या हो जाएगी रूट एक्स यूनिट्स। तो डियर फ्रेंड्स इस तरह से हमने रूट एक्स यूनिट्स अभी तक तो हमने यहां तक फाइंड कर लिया, लेकिन अभी हमने ये नंबर लाइन पे नहीं लाया, तो नंबर लाइन पे हम कैसे ला सकते हैं, अब हम दोबारा से प्रकार लेंगे उसकी पिन हम यहां पे रखेंगे सेंटर वाला पॉइंट कौन सा मानेंगे सेंटर पॉइंट हम बी को मानेंगे, और इस बी पॉइंट से हम क्या करेंगे उसका रेडियस हम कितनी प्रकार खोलेंगे इस पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक, मतलब हम इतनी सी प्रकार खोलेंगे। जब हमने यहां से लेके यहां तक प्रकार खोल ली तो अब हम दोबारा से क्या करेंगे यहां से इस तरह से एक आर्क ड्रा कर देंगे इस तरह से, जब हम इस तरह से आर्क ड्रा करेंगे तो जैसे ही मैंने डैश लाइन डाली हुई है तो इस तरह से आप आर्क ड्रा कर सकते हो प्रकार के साथ, और जिस पॉइंट पे ये जो लाइन होगी ये वाली इस लाइन पे जहां पे बी ये वाली आर्क
इसको काटेगी तो वो वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स। और ये जो पॉइंट होगा जहां जिसको हमने प्रकार के लिए सेंटर माना हुआ है इस आर्क के लिए, तो वो पॉइंट हमारा हो जाएगा जीरो। ये पॉइंट हमारा सी क्या हो जाएगा, वन यूनिट, क्योंकि जीरो से लेके बी से लेके सी तक कितने डिस्टेंस है, वन यूनिट। तो ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। और ये जो ई पॉइंट हमने अभी डिफाइन किया, तो ये इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, रूट एक्स, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा, ओ डी हमारा रेडियस होगा, और ओ ई भी हमारा इसी सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस। इट मीन्स रेडियस सर्कल के क्या होता है, सेम। तो ओ जो बी ई है और जो बी डी है, तो ये दोनों क्या होंगी, सेम। इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, ये दोनों सेम होंगे। ये रूट एक्स है तो ये भी रूट एक्स होगा। इट मीन्स ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो वही हमने लिखा है, नाउ टेक बीसी एज अ नंबर लाइन। अब हम ये जो बीसी थी इसको हम एज अ नंबर लाइन लेंगे, विद बी एज अ जीरो, कि बी को हम जीरो मानते हैं और सी को हम एज अ वन, और एंड सो ऑन। मतलब इस तरह से हम इसका डिस्टेंस लेते जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ड्रा एन आर्क विद सेंटर बी, के बी को सेंटर मान के हम ये वाली आर्क ड्रा करते हैं और उसका रेडियस क्या लेते हैं, बी डी, मतलब ये वाला रेडियस। उतनी सी प्रकार खोलते हैं और हम आर्क बनाते हैं, विच इंटरसेक्ट द नंबर लाइन इन ई, नंबर लाइन एट ई लिखना था यहाँ पे, क्या लिखना है, एट इन की जगह पे एट लिख लोगे, नंबर लाइन एट ई। तो इस पॉइंट पे क्या कर लेगा वो, जहां पे ये वाली आर्क इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम ई मान लेंगे, और ये ई पॉइंट ही हमारा रिप्रेजेंट करेगा क्या, रूट एक्स। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर का अंडर रूट अपनी लाइन, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप बच्चों के लिए मैं क्विक रिवाइज करवा देता हूं, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक लाइन लेनी है, जितना हमें ये जिसका रूट नंबर का दिया गया उतना से यूनिट की हम एक लेंथ लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं एक यूनिट और ऐड करते हैं, फिर हम जो पूरी लेंथ हमारे पास आ जाती है x प्लस वन यूनिट, उसका हम मिड पॉइंट निकालते हैं, वो हमारे पास O होता है। और इधर से हम क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रा करते हैं। जब हमने सेमी सर्कल ड्रा कर दिया, फिर हम जो पॉइंट B हमने लिया होता है, B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लेते हैं BD, जो किस लाइन पे परपेंडिकुलर आ रहा है, AC पे परपेंडिकुलर आएगा BD। इस तरह से लाइन ड्रा करते हैं और ये D पॉइंट हमें सेमी सर्कल पे कट करता है। अब इस D पॉइंट को और जो ये बी डी होता है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रूट ऑफ एक्स, जो हमें नंबर का रूट दिया गया था। अगर सपोज टू होता तो ये क्या हो जाता है, रूट टू। अब रूट टू हमने ये डिस्टेंस तो निकाल दिया, अब लेकिन इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से पिन प्रकार की पिन लेते हैं और यहां से हम इधर से एक आर्क बनाते हैं, उसका रेडियस हम बी डी लेते हैं और ये आर्क यहां पे नंबर लाइन को काटेगी, तो उस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर देंगे कि वो पॉइंट हमारा रूट एक्स होगा, या रूट अगर हमने टू लिया तो ये क्या हो जाएगा, रूट टू, क्योंकि ये एक सर्कल की आर्क है और इस सर्कल की आर्क में जो दोनों रेडियस क्या होंगे, सेम। मतलब ये जो बी डी होगा और ये जो बी ई होगा, ये दोनों क्या होंगे, सेम। तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे रूट ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट्स, इसको हमने प्रूव कैसे किया, तो हम इस रिजल्ट को प्रूव भी कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम से। अगर हम पैथागोरस थ्योरम लगाएं किसमें, ओ बी डी ट्राइंगल में, कौन से में, ओ बी डी ट्राइंगल में जब हम पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो वो हम आगे दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ओ ए होगा, जो ओ सी होगा और जो ओ डी होगा, ये तीनों बराबर होंगे। जो ओ ए है, जो ओ सी है और जो ओ डी है, ये तीनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का ये भी ओ सी रेडियस है, ओ ए रेडियस है और ओ डी, ये तीनों क्या है, रेडियस है। तो इट मीन्स रेडियस क्या होता है सर्कल का, बराबर। तो ये तीनों क्या होंगे, बराबर। और डियर स्टूडेंट्स, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। मतलब अगर ये एक सर्कल है और सर्कल का ये हमारे पास डायमीटर होता है, तो यहां पे डायमीटर क्या है, ए से लेके सी तक, और उसका हाफ क्या है, एसी अपॉन टू। तो वही हमने लिखा है, एसी को आधा करेंगे, तो एसी की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी, मतलब ये पूरा क्या है, एक्स यूनिट प्लस वन। तो वही हमने लिखा है, एक्स प्लस वन अपॉन टू। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस। तो इस तरह से हमने ओ डिफाइंड कर लिया, ये हमारे पास ओ डी मिल गया। अब हमें फाइंड करना है ओ बी, इस ट्राइंगल में चाहिए ना ओ बी डी, तो अभी हमें ओ बी फाइंड करना है। तो ओ बी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो पूरी लाइन है, यहां पे आप बच्चों ने देखा ये हमारे पास एक ओ सी क्या है, ये हमने जब एक देखा था, यहां पे हमारे पास ओ था, ये हमारे पास सी था, तो ये ओ सी क्या है, इस ओ सी की वैल्यू तो हमें आती है, वो क्या है, ओसी, और ओडी, ये दोनों सेम है, तो ये क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन टू। जब हमें ओसी की वैल्यू है, हमें इतनी सी लाइन की पता, तो इसका मतलब हमें निकालनी कौन सी है, बीसी, हमें निकालनी है ओडी, ओबी निकालनी, क्या निकालनी है, ओबी। तो इसका मतलब जब हम पूरी लाइन में से ये वाली लाइन माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ओबी रहेगा, क्या रहेगा, ओबी। तो इसका मतलब ओबी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, OC जो पूरी लाइन है उसमें से हम BC को माइनस कर देंगे, तो OB में से हमने OC को
ओसी में से हमने ओबी फाइंड करने के लिए ओसी में से हमने ओबी को बीसी को माइनस कर दिया, और जो बीसी था वो हमारे पास 1 यूनिट था और ओसी था वो हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 2 था, वो हमने यहां पे लिखा हुआ है ओसी हमारे पास x प्लस 1 अपॉन 2। तो जो ओबी होगा वो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे इसका 1 आ जाएगा, x प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 1, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, तो ये 1 है, यहां पे माइनस 2 है, 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो x माइनस 1 अपॉन 2। तो जो ओबी है वो भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें ये भी पता है और ये ओडी भी पता है, जब ओबी पता है ओडी पता है तो हम ये तीसरी साइड निकाल सकते हैं पैथागोरस थ्योरम लगा के। तो पैथागोरस थ्योरम हमने लगा दी इन ट्राइंगल ओबीडी, तो पैथागोरस थ्योरम कहती है कि जो सबसे बड़ी साइड है, बड़ी साइड कौन सी है ओडी, बड़ी साइड का स्क्वायर मतलब ओडी का स्क्वायर बाकी दो साइडों के स्क्वायर के बराबर के सम के बराबर होता है, तो ओबी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमने फाइंड कौन सी करनी थी BD, तो हमने BD को एक तरफ लिखा वो यहां पे लिखा है, तो ये दूसरी तरफ OD है और ये भी हमारा दूसरी तरफ आ जाएगा, तो OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम OD की वैल्यू पुट करेंगे, OB की वैल्यू पुट करेंगे और BD हमें मिल जाएगा, और BD हमने प्रूव करना है वो हमारा किसके बराबर आना चाहिए, रूट एक्स के बराबर आना चाहिए, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से जो BD का स्क्वायर है वो हमारा किसके बराबर, यहां पे हमने वैल्यू पुट कर दी x प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। जब हमने उन दोनों नंबर दोनों जो लाइनों की वैल्यू भरी यहां पे तो ये हमें मिला, तो हम इसका स्क्वायर करेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वो लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x1, और साथ में यहां पे भी वैसे ही फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने एक बार लिखा है और न्यूमिनेटर दोनों को क्या कर दिया एक साथ लिख लिया है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहां पे क्या माइनस से सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, और ये क्या जाएगा 2x। तो ये माइनस 1 ये प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 2x प्लस 2x क्या बचेगा 4x, 4x पॉइंट 4 हमारा क्या जाएगा एक्स आ जाएगा। तो इस तरह से जो बीडी स्केयर हमारा एक्स आया तो ये स्केयर हमारा यहां पे आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा रूट एक्स। तो इस तरह से बीडी को हमने प्रूव कर दिया कि ये रूट एक्स ही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया रूट एक्स को नंबर लाइन पे, और हमने प्रूव भी कर दिया कि हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं पैथागोरस थ्योरम लगा के। तो डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये देख लिया अगर हमारे पास ए जीरो से बड़ा होगा, ए क्या होगा जीरो से बड़ा होगा, बी आर रियल नंबर एंड n वी आर पॉजिटिव इंटीजर के मतलब एक a है वो जीरो से बड़ा रियल नंबर है और n क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हमारे पास जो रूट nth रूट ऑफ a वो इज इक्वल टू b होगा, तो इट मींस जो b की पावर n होगी वो हमारे पास a के बराबर आ जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि a की पावर 1 अपॉन n हमारे पास अगर b है तो जो a होगा वो हमारे पास b की पावर n आ जाएगा, मतलब ये वाला n जब दूसरी तरफ आता है तो ये क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, बांड पान n किसके बराबर हो गया n के बराबर हो गया, यहां से j वाली पावर जब दूसरे इस तरफ आ गई इक्वल टू की दूसरी साइड तो वो पावर क्या हो गई उल्टी, मतलब यहां पे बांड पान n था तो यहां पे क्या हो गया n हो गया मतलब उल्टा हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैंने आप बच्चों को ये बता दिया कि ये जो इसको हम बोलते हैं रूट, क्या बोलते हैं रूट, लेकिन एक्चुअल में ये इसका नाम क्या होता है इसको हम ये भी बोल सकते हैं रेडिकल साइन। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आप बच्चों से जैसे प्रॉमिस किया था कि आप बच्चों को इस जो आपकी टेक्स्ट बुक में जो भी चीज होगी मतलब जो भी आपके जो टेक्स्ट बुक में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं सारी की सारी यहां पे डिस्कस करूंगा, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ूंगा, कोई भी कुछ नहीं छोड़ूंगा, आप बच्चों को सारा का सारा मटेरियल इस चैनल से मिल जाएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो डियर स्टूडेंट ये हमने लिखा है जैसे रूट ऑफ 4, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, जैसे यहां पे 3 लगा है और फिर रूट 8 तो इट मींस इसको हम क्या बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ 8, और यहां पे अगर n लगा हो और यहां पे रूट 9 है तो इट मींस ये क्या है nth रूट ऑफ a है, सॉरी 9 नहीं है a है, तो ये क्या है nth रूट ऑफ a। तो इस तरह से मैंने आप बच्चों को बता दिया कि इनको हम कैसे पढ़ते हैं, जब खाली ये होगा इसको स्क्वायर पढ़ेंगे, जब ये 3 भी लगा होगा साथ में तो इसको क्यूब रूट पढ़ेंगे, यहां पे जब n लगा होगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे nth रूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे nth रूट। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर ये पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल को। तो डियर स्टूडेंट्स होप करता हूं कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इसी तरह से, तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।